नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं। आज 22 जनवरी दिन है, सोमवार, हिंदी तिथि, शुक्ल द्वादशी, सूर्योदय का समय 6:52, सूर्यास्त का समय 5:39। बात करें दिन की इतिहास की तो 22 जनवरी साल 1905 में रूसी क्रांति के दौरान जार शासकों ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटने में 500 से अधिक मजदूर मारे गए थे। 1901 में 22 जनवरी के दिन ही इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी रंगोली का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे उद्घाटन। आज अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश राममय है। झारखंड में भी माहौल भक्तमय है। आदित्यपुर के कलाकार विवेक मिश्रा द्वारा केबल टाउन के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में बनाई गई 18,500 वर्ग फीट की प्रभु राम की रंगोली का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं आदिवासी मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा आज करने वाले हैं। विवेक मिश्रा ने रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 14,000 वर्ग फीट की रंगोली बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंदौर की शिखा शर्मा का है। विवेक मिश्रा का ये रिकॉर्ड भी होगा कि इन्होंने ये रंगोली अकेले बनाई है, जिसका हर पल 4 सीसीटीवी कैमरों में कैद है। विवेक मिश्रा के 18,500 वर्ग फीट के प्रभु राम की रंगोली बनाने में 10 प्रकार के रंगों की 3 टन रंगोली लगी है। इसकी व्यवस्था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के संयोजक विधायक सिरू राय एवं अन्य श्रद्धालुओं द्वारा की गई है। श्री राम लल्ला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में जमशेदपुर में रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बना है। झारखंड में आज के दिन सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी ऑफिस में 2:30 बजे तक रहेगा छुट्टी। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश राममय है। झारखंड में भी इसे लेकर लोगों में खास उत्साह है। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव को सरकारी स्कूलों व कार्यालयों में छुट्टी को लेकर निर्देश दिया है। इसके तहत सभी कार्यालय को 2:30 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं सरकारी स्कूलों को दिन भर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। रांची के कांके डैम पर राम सह गंगा आरती, 22 जनवरी को बरियातू राम जानकी मंदिर में होगी आरती। अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। इसके पूर्व संध्या पर रांची के कांके डैम में राम सह गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान कांके डैम का भव्य नजारा देखते ही बन रहा था। मां बगलामुखी ब्रह्मा विद्या संस्था रांची के द्वारा ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर 151 दिया प्रज्वलित कर आरती की गई। इसके अलावा धूप एवं दीप से आरती की गई। भजन संध्या में गायक धर्मेंद्र कुमार रॉय ने भजन व सोहार की प्रस्तुति दी। आरती के यजमान आलोक कुमार गोपाल भगत रहे। स्वस्ति वाचन पंडित कौशल मिश्रा ने किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रोफेशनल्स कांग्रेस ने कार स्टिकर व पोस्टर किया जारी। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में रविवार को प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव 2024 एवं प्रोफेशनल्स कांग्रेस मेंबरशिप को लेकर विमर्श किया गया। इसमें प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कार स्टिकर एवं न्याय यात्रा के संदेश का पोस्टर जारी किया गया। प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश एवं उद्देश्य को बताया और कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी महीने के पहले सप्ताह में झारखंड पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी करीब 8 दिनों तक झारखंड में प्रवास करेंगे और इस यात्रा के दौरान लगभग 804 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस यात्रा की सफलता के लिए प्रोफेशनल्स लोगों की 100% सहभागिता जरूरी है। विविधता में एकता हमारी देश की पहचान, राजभवन में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में रविवार को संयुक्त रूप से पोंगल, सोहराय और टुसु पर्व के साथ त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश विविधताओं से भरा है, लेकिन विविधता में एकता है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व, त्योहार एवं उत्सव की अवधारणा एवं उद्देश्यों में भी समानता है। पोंगल पर फसल पैदावार वाले के लिए प्रकृति, किसान एवं पशु के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। हमारे किसान बिना किसी लोभ लालच के सूर्य की भांति नियत समय पर खेत की ओर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोहराय एवं टुसु पर्व के केंद्र बिंदु में भी प्रकृति, कृषि एवं पशु की पूजा ही है, जो हमारे जीवन के आधार है। मां बेटी की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। झारखंड की देवघर जिले के जसड़ी थाना क्षेत्र में हुई मां बेटी की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि अवैध संबंध के कारण मां बेटी की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार ने ही कर दी थी और मामले को डाइवर्ट करने के लिए लूटपाट का रूप दे दिया था। घटना के बाद वरीय पदाधिकारी द्वारा उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। अनुसंधान में मिला साक्ष्य के आधार पर छापेमारी टीम ने मां बेटी के हत्याकांड में सम्मिलित रहे टिंकू रॉय को गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से छापेमारी टीम ने मोबाइल भी बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य में सामने आया कि आरोपी व मृतक के बीच करीब 10 साल से अवैध संबंध था। उस वक्त आरोपी की शादी नहीं हुई थी। मां बेटी की हत्या गला दबाकर की गई थी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों की लाश पर पानी डाल दिया गया था। राममय हुई बाबा वैद्यनाथ की नगरी, आज मनेगी श्रीराम के आगमन की खुशी। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाबा वैद्यनाथ की नगरी राममय हो गई है। हर तरफ जबरदस्त उत्साह है। बाबा नगरी श्रीराम की भक्ति में डूब गई है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर स्थित राम दरबार को फूलों से सजाया गया है। साथ ही पूरे देवघर में सैकड़ों मठ मंदिर व आश्रम की आकर्षक सजावट की गई है। वहीं शहर को आकर्षक लाइट से सजाया गया है। पूरे शहर श्रीराम पातक व गेरुआ रंग से रंगा हुआ है। हर एक गली मोहल्ले के छोटे बड़े मंदिरों को सजाया जा रहा है। कई जगहों पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। शहर में दर्जनों जगहों पर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा व रामलला की महाआरती का सीधा लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। झारखंड में लगभग 10 लाख बढ़ी मतदाताओं की संख्या। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 लाख की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,92,300 तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष ये संख्या 2,45,29,904 थी। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान तैयारी की गई मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में पुरुष व महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 5-5 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी तक पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,42,737 थी। 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,26,08,292 व महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1,19,21,121 है। HEC कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन, PM व सांसद का पुतला फूकेंगे। 18 माह के बकाए वेतन भुगतान व HEC को चलाने के लिए रोडमैप की जानकारी देने समेत अन्य मांगों को लेकर HEC कर्मी पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस कारण प्लांट में उत्पादन ठप है। सोमवार को भी कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं हटिया कामनगर यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि HEC बचाओ मजदूर संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को होगी, इसमें चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से सांसद संजय सेठ HEC कर्मियों को सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि HEC को बंद नहीं होने देंगे, जबकि HEC में पिछले 6 माह का कार्यदेश होने के बावजूद उत्पादन ठप पड़ा है। कर्मियों का 18 माह व अधिकारियों का 22 माह का वेतन बकाया हो गया है। कार्यशील पूंजी के अभाव में HEC बंद होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री व सांसद संजय सेठ का पुतला दहन किया जाएगा और भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं HEC मुख्यालय से लेकर बिरसा चौक तक रैली निकाली जाएगी। रांची के पहाड़ी मंदिर से निकाली गई श्री राम यात्रा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयघोष से गूंजी राजधानी। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। चारों तरफ श्री राम के जयघोष गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के बैनर तले रांची के पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार से रविवार को भव्य श्री राम यात्रा निकाली गई। युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चंदेल ने कहा कि पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। श्री राम यात्रा के दौरान भगवान श्री राम के जयघोष से पूरे रांची गूंजमय हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में भगवान के स्वरूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।